हम बनाएंगे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहले हम वो FA2 में सोल ट्रेडर के बना चुके हैं, अब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। ठीक है, अच्छा तो हैंड आउट में आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, इसका फॉर्मेट देख लें एक नज़र। इसके प्रॉपर फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इसको हमने फॉलो करना है। इसमें क्या होता है, वैसे कंपनीज में तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है उसमें 2 ईयर्स का डेटा गिवन हो, एक करंट ईयर और एक लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का डेटा क्यों देते हैं, ताकि आप कंपैरिजन कर सकें, लास्ट ईयर से करंट ईयर को कंपेयर कर सकें। लास्ट ईयर आपकी इनकम कितनी थी, करंट ईयर में कितनी थी, लास्ट ईयर एक्सपेंस, करंट ईयर के प्रॉफिट लॉस, ये सब चीज कंपैरिजन के लिए 2 ईयर्स का डेटा दिया जाता है। लेकिन सर हम जो बनाएंगे उसमें 1 ईयर का डेटा होगा, ये तो प्रैक्टिकली जब बनते हैं पब्लिश अकाउंट होते हैं उनमें 2 ईयर्स का डेटा होगा। ठीक, तो फॉर्मेट ऑलमोस्ट वही है जो हमने, हाँ अच्छा इसमें MCQs भी आते हैं इससे रिलेटेड, और MTQ भी आते हैं 15 मार्क्स का। ठीक है, तो MTQ के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अच्छा ये इसका एक फॉर्मेट है, पहले कोई नॉन करेंट एसेट्स, के बाद करेंट एसेट्स, फिर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, में इक्विटी आ जाएगी, इक्विटी के बाद नॉन करेंट लाइबिलिटीज और फिर करेंट लाइबिलिटीज। ऑलमोस्ट वैसे ही फॉर्मेट है जिस तरह का सोल ट्रेडर का होता है ना। इसके बाद फिर ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले क्या रेवेन्यू आ गई सेल्स, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम्स सेम ही है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, इनकम टैक्स माइनस करेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। इसके बाद है देंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें क्या आएगा, गेन ऑन प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन, ये अदर इनकम से शो करेंगे इसको, और ये आपका इनकम स्टेटमेंट यहाँ कंप्लीट। अच्छा एक स्टेटमेंट और बनेगा इसमें जो सोल ट्रेडर में नहीं बनता, वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा इक्विटी में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन अर्निंग और टोटल। इसमें क्या होगा, इसका ओपनिंग बैलेंस लेंगे, ट्रायल बैलेंस से गिवन होगा, उसके बाद इसमें चेंजेस रिकॉर्ड करेंगे, जैसे शेयर्स इश्यू हो रहे हैं, कोई एसेट हमने रिवैल्यू किया उस पर गेन या लॉस हुआ, करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा, डिविडेंड पे कर रहे हैं वो माइनस होगा, यहाँ मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया, ब्रैकेट में आ जाएगा ये। ठीक है, और आपके ये क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। अच्छा ये जो क्लोजिंग बैलेंस होंगे ना 31 December के, ये बैलेंस हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना होता है। ठीक है, तो पहले इनकम स्टेटमेंट बनेगा, सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और फिर थर्ड नंबर पे हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अच्छा तो अभी क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, और इसको फॉलो करते हुए फॉर्मेट को, ये काम नहीं करेंगे फॉर्मेट का सब सामने सामने रख लिया, क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, इसको पहले सॉल्व करते हैं आराम से, बाद में आप लोग कॉपी। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है हमें, सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंस, रिसीवेबल, पेबल, कैश, ये सब चीजें। तो आदि कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, 0.81, 2, 3, 4, 5 एडजस्टमेंट है। उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फाइनेंशियल पोजिशन और चेंजेस इन इक्विटी। स्टार्ट करते हैं, साथ साथ ये एडजस्टमेंट्स भी करते जाएंगे जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी। बैंक लिमिटेड, ओके, तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, आती है इनकम स्टेटमेंट सेल्स या रेवेन्यू ना, सेल्स या रेवेन्यू। तो यहाँ पे सेल्स कितनी है, तो ये दो एक साथ हैं, सेल्स एंड परचेज, तो परचेज कितनी है, सेल्स कितनी है, परचेज डेबिट होती है 20,000 और सेल्स क्रेडिट होती है 50,000। ठीक है, तो सेल्स लिखते हैं सबसे पहले, सेल्स रेवेन्यू, अब इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा अपने सोल ट्रेडर अकाउंट्स बनाए थे उसमें हम इसकी वर्किंग शो करते थे ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ट, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा इसमें क्या होता है, कंपनीज में वर्किंग जो होती है वो अलग से शो की जाती है, फाइनल आंसर डायरेक्ट यहाँ लिखे जाते हैं, स्टेटमेंट में हम डायरेक्ट लिखेंगे फाइनल आंसर, वर्किंग इसकी अलग शो करते हैं। ठीक है, अच्छा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी, अब ये कैसे आएगी अभी आपको मैं इसके वर्किंग दिखाता हूँ। इसके बाद क्या आ जाएगा, ग्रॉस
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वर्किंग देख लेते हैं, 16,000 कैसे आए इसमें। यहाँ से देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 8,000, इसमें ऐड करेंगे परचेजेस, परचेजेस कितनी है ये ऊपर है ना 20,000। उसके बाद कैरेज इनवर्ट ऐड होता है, तो इसमें क्वेश्चन में ट्राई कैरेज इनवर्ट नहीं है। उसके बाद परचेज रिटर्न लेस करते हैं, परचेज रिटर्न नहीं है। अच्छा फिर एंडिंग इन्वेंट्री, तो नोट नंबर 4 क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है 12,000, लेस करते हैं इसमें से आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 16,000। ये हम यहाँ से इसमें से माइनस की हमने सेल्स में से, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 34,000। अच्छा इसके बाद फॉर्मेट पे चलते हैं, ठीक है। दिस रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या अदर इनकम, अदर इनकम ऐड करेंगे। अदर इनकम में क्या आ सकती है, कौन कौन से इनकम, एग्जाम्पल अदर इनकम की एग्जाम्पल इंटरेस्ट इनकम हो गई, कमीशन इनकम, रेंट इनकम, ये चीजें आ जाती है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्वेश्चन में देखते हैं कोई अदर इनकम गिवन है या नहीं, ठीक है अदर इनकम नहीं है, ठीक। तो फॉर्मेट पे चलते हैं, अदर इनकम्स के बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 8,000। ये देखें एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ, पहले तो बिल्डिंग को रिवैल्यू किया 0.1 में, 0.2 में डिविडेंड की बात हो रही है, 0.3 में इनकम टैक्स है, 4 में क्लोजिंग इन्वेंट्री, 5 में सस्पेंस अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ एक्सपेंस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यहाँ पर कितनी है, 8,000 माइनस करते हैं। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, देखें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 17,950 माइनस करेंगे। के बाद फॉर्मेट पे चलते हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं, और कोई एक्सपेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन रिसीवेबल पेबल ऑर्डिनरी प्रेफरेंस नॉन करंट प्रीमियम एक्युमुलेटेड, कोई नहीं दिया हुआ ना, अदर एक्सपेंस कोई नहीं है। अदर इनकम्स के बाद क्या है, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट होती है इंटरेस्ट एक्सपेंस को कहते हैं। तो देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन है या नहीं, लोन नोट है, लोन नोट पे इंटरेस्ट होगा ना, तो ये नीचे दिया हुआ है लोन नोट इंटरेस्ट कितना है 800 माइनस करते हैं फाइनेंस कॉस्ट, ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब वापस फॉरवर्ड भी चलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, हमें क्या करना है इसमें से इनकम टैक्स एक्सपेंस माइनस करेंगे। इनकम टैक्स एक्सपेंस यहाँ पर कितने, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ इनकम टैक्स एक्सपेंस 500 एडिट साइड पर, यहाँ देखते हैं एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर 3, बैलेंस ऑन इनकम टैक्स अकाउंट रिप्रेजेंट एन ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर, ओवर प्रोविजन मीन्स ओवर एस्टिमेट, इनकम टैक्स फॉर करंट ईयर इज एस्टिमेटेड एट 3,000। तो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, कल लिखवा देना फॉर्मूला, क्या था करंट ईयर एस्टीमेट माइनस लास्ट ईयर ओवर एस्टीमेट, ठीक है, और प्लस अंडर एस्टीमेट ना, तो करंट ईयर एस्टीमेट 3,000 और लास्ट ईयर ओवर एस्टीमेट थे 500, 3,000 माइनस 500 करंट ईयर एक्सपेंस आ जाएंगे 2,500, और ये हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो फॉर्मेट चलते हैं, उसमें क्या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और उसमें क्या आ रहा है गेन ऑन प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन, उसमें रिवैल्यूएशन दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1, बिल्डिंग हुज नेट बुक वैल्यू इज करंटली 5,000 एंड इज टू बी रिवैल्यूड टू 11,000, गेन कितना हुआ 6,000 का गेन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ऐड हो जाएगा
और ये हमारा टोटल आ गया, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और इसके साथ ही इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंप्लीट। इनकम कंप्लीट हुआ, अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट, बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, एसेट, और एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स आएंगे। यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हैं? कैश एट बैंक नॉन करंट एसेट होते हैं। अच्छा, नॉन करंट एसेट, ये नॉन करंट एसेट्स के नाम से दिए हुए, नॉन करंट एसेट्स एट नेट बुक वैल्यू 85,000। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, कॉस्ट गिवन होती है, कॉस्ट में से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट बुक वैल्यू आती है। यहाँ इसने डायरेक्ट हमें नेट बुक वैल्यू दे दी तो एज इट इज लिख लेंगे, लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट होगी और वो होगी रिवैल्यूएशन की। अब यहाँ देखें नोट नंबर वन, इसमें कह रहे कि एसेट को हमने रिवैल्यू किया है ना, 5,000 बुक वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू 11,000 है, तो 6,000 का इंक्रीज आ रहा है, तो ये इसमें नॉन करेंट एसेट्स में 6,000 एड हो जाएंगे, एसेट इंक्रीज हो रहा है ना। एक एसेट की नेट बुक वैल्यू 5,000 थी, आज मार्केट वैल्यू हो गई 11,000, तो एसेट्स में 11,600 का इंक्रीज आया। अब इस 35,000 में 6,000 ऐड हो जाएंगे तो आपके नॉन करंट एसेट्स हो जाएंगे 41,000। एंट्री याद होगी, हमने बनाई थी आई 16 में, एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, तो एसेट डेबिट हुआ 41,000। ठीक, इसके बाद और कोई एसेट इसके अंदर, और कोई एसेट नहीं है ना, जैसे गुडविल वगैरह हो सकती है, गुडविल कॉपीराइट्स नहीं। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स हम लिखेंगे सबसे पहले क्लोथिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितनी है, क्लोथिंग इन्वेंट्री 12,000। के बाद रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स कितने हैं, ये दिए हुए रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, और रिसीवेबल 10,000 है, जिसमें से हम लेस करते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिस रिसीवेबल ना, अलाउंस फॉर रिसीवेबल। तो यहाँ पे अलाउंस फॉर रिसीवेबल नहीं दिए हुए, ना ही कोई बैड डेट्स की बात हो रही है ना, तो ये रिसीवेबल 10,000 एज इट इज आ जाएंगे। उसके बाद कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना है, 7,250। के बाद कैश इन हैंड आता है, कैश इन हैंड नहीं दिया हुआ, ये करंट एसेट तो आ गया, टोटल कर लेते हैं। अब करंट और नॉन करंट एसेट्स को ऐड कर लेंगे, ये टोटल एसेट्स आ गए 70,000। एसेट्स कंप्लीट, अब इक्विटी और लाइबिलिटीज, पहले लिखते हैं इक्विटी। तो इक्विटी में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ ऑर्डिनरी शेयर्स 10%, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर प्रीमियम और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ जो इसने फिगर बैलेंस दिए हमें शेयर कैपिटल प्रीमियम और एक्यूमुलेट प्रॉफिट के, ये एज इट इज बैलेंस शीट में नहीं लिखे जाते, इससे पहले हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वहां से हमें वो वैल्यूज मिलेंगे जो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो फिलहाल हम ये वैल्यूज लिख लेते हैं, उसके बाद जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये वैल्यूज कहाँ से आई, कैसे आ रही है। ठीक, तो शेयर कैपिटल हो गया 10,000, 10% प्रेफरेंस शेयर्स 9,000 के, शेयर प्रीमियम 9,000, रिटेन अर्निंग या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ गया, और इसमें ये जो हमने एसेट को रिवैल्यू किया था, रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ था 11,000 का, ये भी यहाँ पे इक्विटी में। अच्छा, ये इक्विटी आ गई, कम हो गई कंप्लीट 39,250। इसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी, अब नॉन करेंट लाइबिलिटीज कौन सी हैं, इसमें नॉन करेंट लाइबिलिटीज में है लोन नोट्स, 10% लोन नोट्स 8,000 का लोन हो गया। के बाद करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज में अकाउंट्स पेबल हैं 20,000 के, और कोई करेंट लाइबिलिटी, ये तो एक्सपेंस चार्ज होगा ना, एक्सपेंस ही, तो डिविडेंड है ये तो प्रॉफिट से माइनस होगा, इनकम टैक्स। अच्छा, तो देखिए इनकम टैक्स, ये पॉइंट नंबर थ्री, करंट ईयर एस्टीमेट था हमारा 3,000 ना, तो बैलेंस शीट में आएगा ना टैक्स पेबल, क्या अमाउंट आएगा,
500 वो तो ओवर प्रोविजन थी ना, तो बैलेंस शीट में हमेशा करंट ईयर एस्टीमेट आता है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी हम लिखेंगे 3000, के बाद टोटल ये करंट लायबिलिटीज का टोटल आ गया। इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज को ऐड कर लेते हैं और इसका टोटल आ गया एसेट्स के। बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। ओके, अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जहां से हमें ये इक्विटी की फिगर्स बैलेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है, 9000, 10000, 9000, 5000, 250 और 6000। सबसे पहले एक हमें एडवर्ट के एक एडजस्टमेंट करनी है, एक दो ये बनेगा आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ओके जी, ये इसके कॉलम बन जाएंगे। हर आइटम का कॉलम हो गया, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन रिजर्व और टोटल। अच्छा, इससे पहले हम एक एडजस्टमेंट है, एक करेक्शन ऑफ एरर वो कर लेते हैं वर्किंग, इसके बाद हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसमें देखिए लास्ट का जो लास्ट पॉइंट है, फाइव, बैलेंस ऑन सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट द प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ 4000 ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक, तो इसकी हमें करनी है पहले करेक्शन, शेयर से रिलेटेड है। इसके बाद हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा, क्या क्या रहा है इसमें, क्या समझ आ रहा है? तो बैलेंस ऑन सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना है, 8000 का बैलेंस है। ये शो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द इश्यू ऑफ 4000 ऑर्डिनरी शेयर। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ 4000 शेयर्स का मतलब क्या हुआ, 4000 शेयर इश्यू करके पैसे आए, पैसे कितने आए, 8000, 4000 शेयर इश्यू किए और कैश कितना मिला हमें, 8000। ये 4000 के शेयर्स हमने 8000 में इश्यू। ठीक है, अच्छा, तो अब इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या बनेगी, स्टार्ट से चलते हैं। 4000 शेयर इश्यू हो रहे हैं, कैश कितना रिसीव हुआ, 8000 ना। अच्छा, शेयर्स की पार वैल्यू कितनी है, यहाँ दिया हुआ ऑर्डिनरी शेयर्स 50 सेंट। अच्छा, इश्यू शेयर्स की ओरिजिनल एंट्री क्या होती है, कैश या बैंक डेबिट होगा, बैंक लिख लेते हैं, बैंक कीपैड काम नहीं कर रहा है। ओके, इश्यू ऑफ शेयर्स की ओरिजिनल एंट्री बैंक, ठीक हो गई बैंक डेबिट, ठीक शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा और शेयर प्रीमियम क्या चक्कर है, क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो कैश कितना रिसीव हो रहे हैं, 8000 कैश रिसीव हुआ, बैंक डेबिट हो जाएगा 8000 से। हो शेयर कैपिटल पार वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, पार वैल्यू 50 सेंट है, तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो 2000 शेयर कैपिटल हो जाएगा और शेयर प्रीमियम 6000 हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई इसकी ओरिजिनल एंट्री। सर, रॉन्ग एंट्री क्या बनाई होगी, सस्पेंस अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है ना, इसका मतलब उसने डेबिट रिकॉर्ड किया है, क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं किया। और यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी क्या था, कि द बैलेंस ऑन सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ 4000। प्रोसीड मींस कैश, कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड की है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि बैंक को डेबिट किया है और क्रेडिट कुछ भी नहीं, इसलिए सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड पे ओपन हो गया ना। 8000। अब करेक्शन क्या होगी इसकी, करेक्शन देखिए, हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना भूल गए थे, तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते थे, शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से 1000, और शेयर प्रीमियम क्रेडिट करना भूल गए थे, वो भी क्रेडिट हो जाएगा 6000 से। डेबिट में क्या आएगा,
सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना, ठीक था। इसकी करेक्शन, सस्पेंस अकाउंट डेबिट में जाके क्लोज हो गया, बाकी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज, शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है, प्रीमियम इंक्रीज। इसको हम बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेज उनमें ऐड कर रहे हैं। जब बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और सबसे पहले तो हम इसके बैलेंस लिख लेते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है। बैलेंस लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस में शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है आपका 8,000, प्रेफरेंस शेयर्स हैं 9,000, शेयर प्रीमियम का बैलेंस है 3,000, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस है 3,000। बैलेंसेस यहाँ पे कॉपी एज इट इज, 8,000, 9,000, 3,000, 3,000, बाकी रिवैल्यूएशन रिजर्व का कोई बैलेंस नहीं था, नल, ये टोटल है। चेंजेस रिकॉर्ड करेंगे ना इक्विटी में क्या चेंज आ रहा है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना है, 9,000 है, नहीं 8,000 है ना। अब ये हमने एरर किया था, एरर की हमने करेक्शन की है, इसका इफेक्ट क्या है, आपका कैपिटल इंक्रीज हो गया। ये 2,000 इस 8,000 में ऐड होने चाहिए या नहीं, कैपिटल कितना हो जाएगा करेक्शन के बाद, 10,000 हो जाएगा ना, तो वो वहां पे आप शो करेंगे ना, सही है। अच्छा इसके बाद देखें, अब यहाँ पे हम इसको शो कर देते हैं, बल्कि लिख देता हूँ, बल्कि एक मिनट, हाँ इससे पहले ये है। अब देखिए यहाँ प्रॉफिट आपको कितना दिया है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, 3,000 है। अच्छा जो करंट ईयर का प्रॉफिट हो तो उसका क्या करते हैं हम, अच्छा सोल ट्रेडर में तो हमने क्या किया था, उसको कैपिटल में ऐड कर रहे होते ना, क्या वो उसको कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड नहीं करते, बल्कि अलग से अकाउंट बनाते हैं उसका रिटेन अर्निंग। तो यहाँ आपको रिटेन अर्निंग या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस कितना है प्रॉफिट का, 3,000, इसमें करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। तो ये सारी वर्किंग हम कहाँ शो करेंगे, चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा इसके अलावा डिविडेंड भी देगी कंपनी, कंपनी डिविडेंड पे करती है, तो डिविडेंड प्रॉफिट से दिया जाता है, प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो ये वर्किंग कहाँ शो होगी, चेंजेस इन इक्विटी। तो एक तरह से ये वर्किंग हो रही है, ठीक है। पहले क्या करते हैं, हम जरा इस रिटेन अर्निंग में अपना प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड कर देते हैं। रिटेन अर्निंग में हमने प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड कर लिया। इसके बाद अब जो हमने करेक्शन की थी शेयर्स की, इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है ना, इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। शेयर कैपिटल में 2,000 ऐड हो जाएंगे, प्रीमियम में 6,000 ऐड हो, ठीक। अच्छा इसके बाद हमने एसेट को रिवैल्यू किया था, रिवैल्यूएशन में गेन हुआ था 6,000 का, अब वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, गेन ऑन रिवैल्यूएशन आ गया। अब आते हैं पेमेंट्स की तरफ, हाँ देखिए लिखा हुआ है प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 900 का, इंटरिम ऑर्डिनरी डिविडेंड 1,600 हमने डिविडेंड पे किया, तो ये डिविडेंड हम प्रॉफिट से देते हैं, तो यहाँ हम रिटेन अर्निंग से डिविडेंड माइनस कर देंगे, माइनस हो गए। इसके बाद यहाँ पे देखिए हम फाइनल डिविडेंड की बात कर रहे हैं, वो पॉइंट टू में अ फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 10 सेंट पर शेयर इज टू बी प्रोपोज्ड, तो क्या ये माइनस होगा रिटेन अर्निंग से, क्या ये हमारी लाइबिलिटी बन गया है, लाइबिलिटी है या नहीं, इस वक्त वर्डिंग पे गौर करें जरा, इज टू बी प्रोपोज्ड होना है, अभी अभी ये लाइबिलिटी नहीं बनी है। लाइबिलिटी कब होती है, जब प्रोपोज हो जाए, डिक्लेयर्ड हो जाए, अनाउंस्ड हो जाए, तो कहते हैं इज टू बी प्रोपोज होना है, अभी प्रपोज होता है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इस वक्त इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसलिए ये माइनस नहीं होगा, अगर यहाँ अनाउंस या डिक्लेयर्ड लिखा होता तो माइनस करते, तो इस वक्त ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा इसके अलावा और इसमें ये इक्विटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, अब इसको क्लोज करते हैं। कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया आपका, 10,000, शेयर प्रीमियम 9,000, शेयर अच्छा ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 9,000, शेयर प्रीमियम 9,000, रिटेन अर्निंग बैलेंस 5,250 आ गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस 6,000। अब ये वो फाइनल फिगर्स हैं जो हम बैलेंस शीट में लिखे हैं, यही फिगर्स हमने वहां बैलेंस शीट में लिखे हैं, 10,000, 9,000, 9,000, 5,250, 6,000, ठीक है। तो एक्चुअल में तो चेंजेस इन इक्विटी पहले बनता है, बैलेंस शीट बाद।
इक्विटी बनाने से पहले ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाना, ठीक है? कॉपी कर